व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस ये वाला गेम प्ले उतना बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि भाई बिल्कुल भी उतना ज्यादा मैं खेल नहीं पा रहा हूँ और इसी वजह से मैं रेगुलर गेम प्ले भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी इस वाले गेम प्ले में बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है क्योंकि मैंने दो दो गेम प्ले में दोनों में ही चिकन निकाला था। तो ये बंदा ऑफलाइन था शायद से, पता नहीं क्या था, लेकिन ये बंदा कोने पे बैठा हुआ था। तो सबसे पहले इस बंदे को नॉक करता हूँ और इसके दूसरे बंदे को भी मार देता हूँ, तो आराम से यहाँ पर मेरा 2 किलो हो जाते। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आया ही था कि तभी मुझे एक और बंदा मिल जाता। तो इसका टीममेट तो दूर है तो मुझे इतना कोई डर नहीं है, मतलब कि मैं रिवाइव हो जाऊंगा आराम से। अब मैं जैसे रिवाइव होता हूँ उसके बाद फिर अपना टीममेट को गाड़ी लेने भेजता हूँ और गाड़ी जैसे लाता हूँ तभी मेरे पे उसके दूसरे बंदे का फायर आ जाता है। और फाइनली भाई इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ और यहाँ पर हो चुका उनका ऑल डेड। तो यहाँ पर लास्ट में बस एक ही बंदा बचा हुआ था जिसको कि मैं ढूंढ ही रहा था कि तभी ये बंदा मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मेरा टीममेट संभाल लेता है और यहाँ पर हो जाता है एक इजी सा चिकन। तो आप चलते हैं भाई नेक्स्ट गेम प्ले में। तो यहाँ पर मैं उतरा था कोचिंग की में और कोचिंग की तो मैं आपको पता ही है कि भाई कितना ज़्यादा भसड़ मचता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बंदा दिखा जिसको कि मैं नॉक एंड फिनिश डाल देता हूँ, लेकिन पास वाले घर में और भी बंदे थे। तो यहाँ पर दो बंदे थे जिनको कि आराम से मार देते। अब सामने वाले स्क्वाड में एक बंदा है तो इसके ऊपर मैं रश कर देता हूँ। इस वाले बंदे को तो नॉक एंड फिनिश डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे बंदे का थनपटी आ जाता है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही रिवाइव होता हूँ तभी मेरे टीममेट को पड़ जाता है ऊपर से और ये बंदा भाई इसको कर देता है नॉक। इस बंदे ने गलती किया कि ये बंदा पूरा एकदम एक्सपोज हो रहा था, अपना बॉडी को पूरा एक्सपोज कर रहा था। अगर ये पिक करके सिर्फ हाथ दिखा के अगर नेट कर देता ना तो आराम से ये बंदा शायद से नेट से ही फोड़ देता हमको। यहाँ पर आखिरी के सिर्फ दो ही बंदे बचे जो कि भाई सामने वाले घर पे है। तो भाई फाइनली इसको मैं नॉक कर देता हूँ। भाई इतने से छेद से दिख रहा था बंदा और दोनों को ही मैं टैप टैप करके ही मार देता और भाई दोनों हो चुके ऑल डेड। भाई ये वाला क्लिप के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर ही दो। तो अब यहाँ पर आ चुका हूँ आखिरी के जोन में और आखिरी के जोन में आने के बाद यहाँ पर भाई सामने एक बंदा था, तो भाई इस बंदे को भी ऑल डेड कर ही देता हूँ। अब इस बंदे को मैं लूट ही रहा था कि तभी एक और गाड़ी का मुझे साउंड आता है और इस वाले बंदे को यार जैसे ही मैं बाइक से उतारा ना भाई मतलब मजा आ गया। तो इस बंदे को तो मार देते, अकेले ही था शायद से रिकॉल हो गया था, बट इस बंदे का किस्मत खराब था कि हमारे हाथ लग गया ये। तो अब यहाँ पर चलते हैं जोन के अंदर क्योंकि जोन के बाहर है हम लोग और जोन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जोन के अंदर तो आ चुका था, मुझे एक दिखता बंदा जो कि रिच पे था और ये बंदा क्या करता देखो, मतलब इसका हरकत देख के ना मतलब पूरा एकदम भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। भाई इतना बड़ा दिमाग कौन लगाता है, मतलब कि भाई ओपन मैक वो लेट गया, उसको लग रहा है कि मतलब कि मैं जैसे ही जाऊंगा दूर वो लेट के स्प्रे लेगा। तो भाई उसको मैं आराम से पेल देता हूँ और यहाँ पर हो चुका है ऑल्डर और यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा 10 किलो हो चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा मुझे प्लस तो मिल ही जाएगा। तो अभी अभी दो बंदे गए जोन के बाहर से, मतलब कि पूरा एकदम डैमेज है और ये बंदा गाड़ी लेके भाग रहा था तो इसके हम पीछे पीछे ही भाग रहे थे। तो यहाँ पर बंदा आके रुक जाता है और अपना गाड़ी भी रोक देते हम लोग। तो इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन दूसरा टीममेट को मेरा टीममेट ही पेल देता है। तो भाई यहाँ पर हो चुका ऑल डेड और यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ टोटल हमारे अलावा 4 बंदे बचे और यहाँ पर 11 किल मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लास्ट के 4 बंदे को ढूंढ रहा था तो तभी मुझे दिखता है भाई दूर में एक लेटा हुआ बंदा। ये बंदा तो हो जाता है नॉक, लेकिन ये बंदा बच जाता है क्योंकि ये रिज के नीचे चला जाता है, तो मुझे यहाँ पर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा फटाफट से। लेकिन दिक्कत ये है कि गाड़ी हमारे पास नहीं है और एक गाड़ी था तो उसका फ्यूल हो चुका है खत्म। तो यहाँ पर मैं जोन के अंदर आ ही रहा था कि तभी मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है और ये बंदा पत्थर के ऊपर चढ़ के क्या करने की कोशिश कर रहा था मुझे नहीं पता। भाई ये बंदे को कर देता हूँ मैं नॉक और इसका दूसरा टीममेट भी क्या हरकत करेगा देखो। बस यहाँ पर मैं जैसे जाता हूँ
तो इसका तो मुझे थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज हो गया था पहले ही, फिर बाद में डैमेज करता हूँ बहुत ज़्यादा और आखिर में जाकर इसको मैं पेल ही देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं भाई, तो यहाँ पर तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला ये वाला चिकन निकलने वाला है हमारा। तो यहाँ पर भाई लास्ट जोन चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे नेट की बारिश हो रहा है, लेकिन मैं फाइनली उस बंदे को कर देता हूँ नॉक। इसका एक टीममेट तो नॉक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट भी हो चुका है नॉक। इस बंदे को मैं कंटिन्यूसली पिक करके मारने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता तो यार टीममेट को रिवाइव मिल जाता, बट यहाँ पर मैं टीममेट को रिवाइव मतलब दिया ही नहीं यार मैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी बड़ा गलती तो कर ही रहा था और यहाँ पर देख सकते हो मेरा बिल्कुल एकदम ऑन एचपी में बचा हूँ, ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था। और इसका जो मैंने टीममेट नॉक किया था वो भी बंदा खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ फटाफट से और यहाँ पर मैं चलूँगा अब जोन के अंदर और इस बल्ले बंदे को मैं कैसे ही पेलूंगा आप लोग देखो बस। भाई साहब इस बल्ले स्प्रे के लिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब भाई बिल्कुल करना मत भूलना और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।